हरियाणा में 25 मई को छठे चरण की वोटिंग होनी है और अब महज कुछ ही दिन शेष बचे हैं। ऐसे में सभी पार्टियों ने चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में अम्बाला से लोकसभा प्रत्याशी बंतो कटारिया ने अपना चुनावी प्रचार पूर्व गृह मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में अम्बाला कैंट के कई इलाकों में किया। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं अपने बड़े भाई अनिल विज के साथ आप सबका धन्यवाद करने के लिए आई हूँ। उन्होंने कहा कि आप सब ने 18 तारीख को देश के प्रधानमंत्री के विचार सुने। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने 25 तारीख को आशीर्वाद मांगने के लिए आप सबसे प्रार्थना की कि आप जो आशीर्वाद आप बंतों को देंगे वो सीधा मेरे पास पहुंच जाएगा। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफ भाजपा के 10 साल है, एक तरफ कांग्रेस के 60 साल है और कांग्रेस 60 साल में कोई 60 काम बता दे जो उन्होंने किए हों। उन्होंने कहा कि आज उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है और हमारे पास विकास के इतने काम हैं जिनको गिनवाया नहीं जा सकता। पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने अपने संबोधन में कहा कि ये चुनाव बहुत मायनों में खास है और ये तय करेगा हिंदुस्तान के भविष्य को। उन्होंने इसे हिंदुस्तान के भविष्य का चुनाव बताया। उन्होंने कहा कि कई मुद्दों पर पार्टियां अपना अपना बखान कर रही हैं और बड़े बड़े वायदे किए जा रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि वो कहते हैं कि 4 तारीख को मैं प्रधानमंत्री बनते ही बटन दबाऊंगा और गरीब खटाखट 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 गरीबी खत्म हो जाएगी। उन्होंने राहुल गांधी से सवाल करते हुए कहा कि आप किस आधार पर कह रहे हैं गरीब हटाऊंगा, जबकि आपकी दादी इंदिरा गांधी ने तो कितने चुनाव गरीबी हटाओ के नाम पर लड़े और अगर गरीबी हट गई तो फिर आप कौन सी गरीबी हटाओ अगर नहीं हटी तो क्या झूठ बोलना आपकी खानदानी रिवायत है। उन्होंने कहा कि ये चुनाव हो रहा है कि किसने क्या करके दिखाया। उन्होंने कहा कि कोई कहता क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं है, कोई करता क्या है ये महत्वपूर्ण है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया है। उन्होंने कहा कि जब हिंदुस्तान आजादी की 100वीं वर्षगांठ मना रहा होगा तब हिंदुस्तान विकसित भारत होगा। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने देश के बारे में सोचा। बहुत भावुक होते उन्होंने कहा कि अगर वो खून मांगे तो हम खून देंगे। उन्होंने कहा कि ये चुनाव जिसने इतने काम किए हों उसको समर्थन करने का चुनाव है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि आज मैं आपसे वोट मांगने आया हूं, आप मुझे वोट दीजिए। आपकी वोट बंतो कटारिया को चली जाएगी और बंतो कटारिया को दी गई वोट सीधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चली जाएगी। उन्होंने लोगों से ज्यादा वोट करने की अपील की। आसन देने की कोई बात नहीं है, आज मैं तो अपने बड़े भाई के साथ आप सबका धन्यवाद करने के लिए आई हूँ कि 18 तारीख को आप सबने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विचार सुने और नरेंद्र मोदी जी ने आप सबसे 25 तारीख को आशीर्वाद मांगने के लिए आप सबसे प्रार्थना की। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि 25 तारीख को आप मुझे आशीर्वाद देना और वो आशीर्वाद जो कमल के फूल पर आप मुझे देंगे वो सीधा सीधा जो आशीर्वाद आप बंतों को देंगे वो मेरे पास पहुंच जाएगा। इसलिए हमारे पास समय बहुत कम है, 3-4 दिन बचे हैं, तो हमने अपने बूथ पर ही हर घर घर में जाना है। विकास की बात तो हम बहुत करते हैं और अभी भाई अनिल विज जी करेंगे, पर मैं एक बात कहना चाहूंगी कि यशस्वी देश के प्रधानमंत्री ने 10 साल में एक तरफ 60 साल है, 60 साल में वो कोई 60 काम बता दे जो इस देश के लिए कांग्रेस पार्टी ने किए हैं। उनके पास आज बताने के लिए कोई काम नहीं है सवाय गांधी परिवार को ऊपर उठाने के लिए। अगर उन्होंने कहीं एयरपोर्ट बनाया हो तो उस पे इंदिरा गांधी का नाम लिखा होगा। अगर गांव में पंचायत घर बनाया हो तो उस पर स्वर्गीय राजीव गांधी का नाम लिखा होगा। और गलती से उनको कहीं सचिवालय और शौचालय बनाने पड़ गए तो उसमें सोनिया गांधी का नाम लिखना पड़ा। तो गांधी परिवार से कांग्रेस आज बाहर नहीं निकली। आप सबसे प्रार्थना है कि 10 साल में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शौचालय से बनाना शुरू किया और देश की नई पार्लियामेंट बना दी है, ये आपकी वोट की गारंटी है। और 18 तारीख को देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि तीसरी बार आप मुझे प्रधानमंत्री बनाते हो, मैं एक संकल्प लेता हूँ 2047 तक इस भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए, और वो भारत बनाऊंगा
जो भारत हम सबने पहले किताबों में पढ़ा था कि भारत एक सोने की चिड़िया हुआ करता था, लुटेरे आए और लूट कर ले गए, वो भारत बनाऊंगा जो भारत अखंड भी होगा, जो भारत समृद्ध भी होगा, जो भारत स्वावलंबी भी होगा, और मेरे भारत की तरफ कोई उंगली उठाकर देखेगा तो उसके घर में घुसकर मार कर आएंगे, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस बार का जो चुनाव है ये बहुत मायनों से खास चुनाव है। ये तय करेगा हिंदुस्तान के भविष्य को, ये हिंदुस्तान के भविष्य का चुनाव है। कई मुद्दों पर पार्टियां अपना अपना बखान कर रहे हैं, बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं। कांग्रेस के प्रिंस राहुल गांधी ने कहा कि मुझे सरकार बनते ही 4 तारीख को मैं बटन दबाऊंगा और गरीबी खटाखट 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 गरीबी खत्म हो जाएगी। मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं कि आप किस आधार पर हिंदुस्तान की जनता के साथ ये झूठ बोल रहे हैं। हमारा 573 सांसदों की लोकसभा है और किसी भी मत को पास कराने के लिए कम से कम 274 सांसद चाहिए। आप अकेले तो चुनाव लड़ नहीं रहे हैं, आपका 28 पार्टियों का गठबंधन है और आप अपने आधार पर आपने जो घोषणा पत्र जारी किया है उसके आधार पर आप ये झूठा वादा कर रहे हैं, क्योंकि ना तो बाकी 27 पार्टियों ने आपके जो घोषणा पत्र है उस तक उस पर हस्ताक्षर किए हैं और ना ही आप अकेले पिछले 2 लोकसभा चुनाव में आपकी 50 से कम सीटें आई हैं। इतनी सीटों से इतने एमपीओ से तो लोकसभा में कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया जा सकता, कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया जा सकता। और मेरे मित्र, आप गरीबी हटाने की बात करते हैं, गरीबी हटाने का नारा आपकी दादी ने भी दिया, इंदिरा गांधी ने, और कई चुनाव गरीबी हटाओ के नारे पर सरकार बनाकर वो जीतती रही। अगर वो गरीबी खत्म हो गई थी तो आप आज किस गरीबी को खत्म करना चाहते, और अगर खत्म नहीं हुई थी तो झूठ बोलना क्या आपकी खानदानी रिवायत है, खानदानी आपकी सोच है? झूठ बोलकर लोगों की वोटों को हासिल करना चाहते हैं। ये चुनाव हो रहा है कि किसने क्या करके दिखाया, कोई कहता क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं है, कोई करता क्या है ये महत्वपूर्ण है। और नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया है, हर क्षेत्र के लिए हर वर्ग के लिए उन्होंने कुछ न कुछ किया है, क्योंकि गरीब घर से आए
उन्होंने गरीबी देखी है कि गरीबी क्या होती है। वो सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा नहीं हुए थे, उन्होंने गरीबी देखी है, इसलिए उन्होंने गरीबों के लिए सबसे ज्यादा काम किया।